अब अयोध्या के बाद चलते हैं दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद घमासान मचा हुआ है। केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड आज खत्म हो रही है, अब जिसके बाद सीबीआई आज उन्हें शाम को कोर्ट में पेश करने जा रही है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। संसद में भी आपने सांसदों को देखा था, लेकिन अब बारी है सड़क की, क्योंकि संसद में जो खड़े थे उसका कुछ काम नहीं हुआ। दिल्ली समेत कई शहरों में इस वक्त आपको इसी तरह के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। दिल्ली में इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर यह प्रदर्शन हो रहा है। अब आपके कार्यकर्ता बीजेपी के अलावा सीबीआई और ईडी के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को बीजेपी के दफ्तर की तरफ कूच करने से पहले ही रोक दिया है। अब दफ्तर के बाहर पुलिस के जवान भारी संख्या में तैनात हैं, जो इन कार्यकर्ताओं को रोक रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इस वक्त पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर है और प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सभी पार्टी कार्यकर्ता इस वक्त आम आदमी पार्टी के मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए इस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। चूंकि पार्टी कार्यकर्ता यहां से भारतीय जनता पार्टी के सामने जो ऑफिस है वहां पार्टी के भाजपा के ऑफिस के घेराव करने के लिए जाएंगे, जिसको देखते हुए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर भी यहां पर मौजूद है, और यहां से डीडीयू मार्ग से भाजपा के ऑफिस जाने वाले इस रास्ते को ऊंचे बैरिकेड से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी कि पुलिस ने साफ मैसेज दे दिया है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां से आगे जाने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। चूंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सीबीआई ने किया है, हालांकि लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, लेकिन इसी बीच ईडी के द्वारा हाईकोर्ट में अपील की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर स्टे लगा दिया। उसके बाद 26 जून को अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब घोटाले मामले में ही गिरफ्तार कर लिया है। आज अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी भी है, जहां उम्मीद की जा रही है कि सीबीआई एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांग सकती है।